दोस्तों, लास्ट ईयर हमने गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच क्लैशेस देखी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हुए इन क्लैशेस में दोनों देशों को ही नुकसान हुआ था। डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस और कई राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स के बाद ये स्थिति नियंत्रण में आई थी, लेकिन अपने एग्रेसिव नेचर को डिस्प्ले करते हुए चाइना फिर से इंडिया के बॉर्डर रीजन में टेंशन क्रिएट करने के अटेम्प्ट में है। हाल ही में खबर आई है कि चाइना ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऑपोजिट एक बुलेट ट्रेन लिंक डेवलप किया है, जिससे चाइनीज सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, चाइना के इस मूव का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, यह आज हमारी चर्चा का विषय है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस चाइनीज ऑफेंस को समझने और इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। चाइना के स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली एक खबर प्रिंट की है कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करते हुए चाइना ने ल्हासा नाइंची रेलवे स्टेशन का यूज कर एक ट्रूप ट्रांसपोर्ट मिशन कंडक्ट किया है। दोस्तों, अगर ल्हासा निंगची रेलवे के बारे में बताया जाए तो ये चाइना के सिचुआन तिब्बत रेलवे का एक क्रिटिकल पार्ट है। इस ल्हासा निंगची सेक्शन की लेंथ अप्रॉक्स 435.48 किलोमीटर है और इसे इंटरनल कंबशन और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड दोनों तरह की ट्रेनों के लिए डेवलप किया गया है। ट्रेन की क्षमता इन ट्रैक्स पे 160 किलोमीटर पर आर बताई गई है, जो ल्हासा से निंगची के बीच की दूरी 3 hours 29 minutes में कवर कर लेगी। दोस्तों, अगर लोकेशन की बात करें तो ये तिब्बतन कैपिटल ल्हासा से तिब्बत के ही एक टाउन निंगची को जोड़ती है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में लाई करता है। यदि आप लोगों को याद हो तो ये वही रीजन है जिसकी मदद से चाइना ने इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक किया था। चाइना के इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस इसी बात से जाना जा सकता है कि लास्ट मंथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद निंगची टाउन विजिट किया था और इसी हाई स्पीड ट्रेन से ल्हासा गए थे। दोस्तों, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में चाइना के अगेंस्ट अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रिसेंटली इंडो चाइना बॉर्डर क्लैशेस, चाहे वो 2020 के गलवान वैली क्लैशेस हों या 2017 के डोकलम डिस्प्यूट, इंडिया ने चाइना के सामने ये साफ कर दिया है कि अब वो इंडिया से सॉफ्ट पावर रिएक्शन की उम्मीद ना रखे। चाइना के इन्हीं एग्रेसिव डेवलपमेंट्स को देखते हुए इंडिया ने भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ चाइना सी में एक नेवल टास्क फोर्स भेजने का निर्णय लिया है। चाइनीज ऑक्युपेंसी को काउंटर करते हुए इंडिया अपने 4 वॉरशिप्स, जिनमें एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय और एक मिसाइल फ्रिगेट INS शिवालिक शामिल है, 2 महीनों के लिए साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने वाला है। अपने मूव को और स्ट्रेटजिक बनाते हुए इंडियन नेवी ने अंडमान निकोबार आइलैंड के पास स्थित मलक्का स्ट्रेट के इर्द गिर्द भी अपने फ्रंटलाइन वेसल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। दोस्तों, आज के न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड में क्लैशेस का कम होना ही सभी के लिए लाभदायक है, पर सवाल है कि किस कीमत पर। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए चाइना के ये अटेम्प्ट एक टेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसका जवाब देना इंडिया की मजबूरी बन जाता है। यदि चाइना चाहता है कि इंडिया के साथ उसके डिस्प्यूट्स मिटिगेट हों, तो चाइना के लिए ज़रूरी है कि वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की ओर बढ़े, ना कि एग्रेसिव रवैया अपनाए। और अगर चाइना इस बात को नहीं समझेगा तो इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया कौन से ऐसे एक्शन ले सकता है जो चाइना के इस बुलेट ट्रेन मूव को काउंटर कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।